नई दिल्ली में बना यह एक अनोखा सांस्कृतिक धरोहर है जिसे भगवान स्वामी नारायण की पुण्यतिथि पर बनाया गया था, और इस मंदिर के जो मुख्य भगवान है वो स्वामी नारायण है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, इज़ अमित जैन, यू आर वाचिंग अमित ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अक्षरधाम टेम्पल घूमने के लिए, मैं आप लोगों को भी साथ में घुमाऊंगा वीडियो के जरिए। ओके, द गर्ल हू ड्रिंक द मून, एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक तो है मेरे पास गाइस, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड एंड पुअर डैड। ये गाइस काफ़ी फेमस बुक है, देख सकते हो आप गाइस, मेले जैसा लग रहा है माहौल यहाँ पर। तो यहाँ पे छोटे लिए टॉयज वगैरह, ये देखो जन गाइस, ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। गाइस अभी आप झूला झूल लिया मैंने, वहाँ पे वीडियो भी बनवा ली है मैंने अपनी, अभी जा रहा हूँ अक्षरधाम की तरफ। अक्षरधाम मंदिर के दर्शन जाने इस वीडियो में, यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, क्या टिकट प्राइस भी लगने वाला है मंदिर में, तो हाँ इस तरह की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, मंदिर किस दिन क्लोज रहता है, अक्षरधाम मंदिर एवरी मंडे क्लोज रहता है, और ये जो आप एंट्री गेट देख रहे हो यहीं से आपकी एंट्री होगी। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो फर्स्ट एंट्री होती है 10 AM पे एंड लास्ट एंट्री होती है 6:30 PM पे। अक्षरधाम तक पहुँचने के लिए अगर हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में आता है, आप आसानी से यहां तक पहुंच सकते हो। अक्षरधाम आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको अक्षरधाम का ही पड़ने वाला है, और यहां से आपको मंदिर का गेट दिखाई दे जाएगा। अक्षरधाम मंदिर के अंदर में आपको पेड पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप आसानी से अपनी गाड़ी और बाइक पार्क कर सकते हो। पार्किंग के चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो बाइक के आपको 30 रुपीज एंड कार के आपको 50 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे। मंदिर के अंदर आप क्या सामान नहीं ले जा सकते और क्या सामान ले जा सकते हो, उन चीजों की सूची इस पे दे रखी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हैंडीकैप पर्सन के लिए यहाँ पे व्हीलचेयर की सुविधा दी गई है, ताकि वो भी आसानी से यहाँ पे घूम फिर सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। गाइस यहाँ पे टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर की भी सुविधा दी गई है, ताकि विजिटर्स को परेशानी ना हो। गाइस यहाँ से फॉर्म मिलता है, जो भी आप सामान अपने साथ लेके आ रहे हो उसे जमा करने के लिए फॉर्म देना है। सो गाइस अभी फॉर्म फिलअप कर दिया है और अभी चलते हैं अंदर, लाइन में लगते हैं। नई दिल्ली में बना ये एक अनोखा सांस्कृतिक धरोहर है जिसे भगवान स्वामी नारायण की पुण्यतिथि पर बनाया गया था, और इस मंदिर के जो मुख्य भगवान है वो स्वामी नारायण है। राज्य मंदिर 100 एकड़ में फैला हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, और जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हुआ है। अक्षरधाम मंदिर गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 5 साल का समय लगा था, और इसे 11,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। गाइस अक्षरधाम मंदिर के मेन अट्रैक्शन की बात करें तो यह है यहाँ का वाटर शो, जिसकी टाइम होने वाली है 8 बजे से। ये पेड है गाइस, और इसकी टिकट के प्राइस है एडल्ट के लिए 90 रुपीज, सीनियर्स के लिए 90 एंड चिल्ड्रेंस के लिए 60 एंड। गाइस आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन और खूबसूरत कारीगरी की गई है, पत्थरों को काटकर हाथी को बनाया गया है।
अक्षरधाम मंदिर के अंदर आपको फूड कोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंजॉय कर सकते हो एंड आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, अभी फाइनली बाहर निकल चुका हूँ स्वामीनारायण के दर्शन करके, अंदर घूम के। अंदर इतना बेहतरीन लग रहा था, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था, मंदिर वो लाइटिंग इतना परफेक्ट था, सब कुछ इतना बेहतरीन लग रहा था। गाइस अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो अभी बैक टू होम चलते हैं वापस घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली घर पहुंच गया हूँ एंड अभी जस्ट मैं फ्रेश हुआ हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।